वेलकम टू अ व्लॉग। आई एम सो सॉरी इफ यू गाइस कैन हियर बैकग्राउंड नॉइस। मेरे आजू बाजू हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड आज तो फाइनली मेरे घर में भी काम शुरू होगा। आई टोल्ड यू गाइस आई एम वर्किंग ऑन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट। आई मीन दैट वॉज अ स्ट्रेच बट आई एम रीडूइंग माई रूम एंड नॉट लाइक बहुत ऐसे कोई बिग चेंज नहीं है बट आई डिड गेट सम न्यू फर्नीचर एंड यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू मूव थिंग्स हियर एंड देयर एंड मेक मोर स्पेस बिकॉज आई वर्क फ्रॉम द सेम रूम। तो बेडरूम भी है वो वर्क स्पेस भी है अभी के लिए। सो देयर वॉज जस्ट सो मच केओस एंड माई रूम जस्ट इज अ मेस। मतलब सब जगह सामान पड़ा हुआ है। आपको मैंने इंट्रो में दिखाया होगा ना कितना सामान, ये सारा सामान ना मेरे फ्लोर पे पड़ा रहता था। सो दैट वॉज जस्ट वेरी अनोइंग एंड मुझे बस इरिटेशन होने लगी थी एंड इट वॉज टाइम कि रूम में ना हम चेंजेस भी करें बिकॉज इतनी बारिश के वजह से ना मेरे रूम में वो पूरा ऐसे सीलन सीलन हो गया है। इट लुक्स बैड। ऑल्सो वो सारा मेरे सर पे ही गिरता है। मेरा बेड ना बिल्कुल वॉल के अगेंस्ट है तो उसी के ऊपर जो सारा वो गिरता रहता है मेरे सर पे ही गिरता है एंड मेरे बेड पे गिरता है विच इज़ सो 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 अनोइंग। सो आई वॉन्टेड टू फिक्स ऑल ऑफ दैट एंड आई वॉन्टेड टू जस्ट रीडू माई रूम एंड डू इट बजट। सो दिस वीडियो इज ऑल इन अ बजट। मैंने कुछ भी बहुत महंगा सामान या ये सब नहीं लिया एंड मेजोरिटी चीजें जो मेरे पास ऑलरेडी ही है मैं उन्हीं के साथ ही मतलब यू नो अपने रूम को चेंज करूंगी एंड थोड़ा बहुत जो भी करना है वो करूंगी। आई शो यू गाइज एवरी थिंग दैट आई डू इन दिस वीडियो एंड लाइक यू नो ऑल द थिंग्स दैट आई एम प्लानिंग टू चेंज एंड वेयर वॉट विल गो एंड ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट थॉट दैट इट विल बी अ नाइस व्लॉग। मैंने अमेजोन से एक दो चीजें और मंगवाई है जो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी एंड आई शेयर प्राइसेस ऑफ everything and links and everything so you guys will also get a good idea कि आप budget में कैसे अपने room को change कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा makeover करना है। this is not like a major thing कि हम ये बनवा रहे हैं वो बनवा रहे हैं, जो existing है उसी को थोड़ा better करें, you know like how we put makeup on। so वही basically मेरे room के साथ आज हो रहा है। I am very very excited to show you guys everything। I have been waiting for this for so long। मतलब मैं हर video में ना क्रिप करती थी इसको लेके कि मुझे बस मेरा room पसंद नहीं है, इतना सामान है, ये है, वो है। मैं जितना मर्जी खुद से ऑर्गेनाइज करती थी ना इट वॉज नेवर इनफ बिकॉज देर वॉज जस्ट सो मच स्टफ एंड देर वॉज नो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो वी नीड स्ट्रक्चर एंड आई होप कि अब चीज़ें बेटर हो जाएगी एंड सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेट सी हाउ दिस गोज एंड आई होप दैट ऑल गोज अकॉर्डिंग टू प्लान। लेट मी शो यू गाइज लुक एट दिस। ये सारा मेरे सर पे गिरता था लाइक लिटरली एंड आई डोंट नो अगर हमें एसी निकालना पड़ेगा कि नहीं क्योंकि ऊपर से ही आ रहा है एंड ये जो अजीब सा ये पाइप टाइप का है ना ये भी निकलवा दूंगी मैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो कर्टन था ना दिस इज़ व्हाट आई वांट टू चेंज बिकॉज आई एम ओवर इट, आई एम ओवर द ग्रे, आई वांट समथिंग न्यू। सो कौन सा कलर करूँ, पिंक कर्टन्स करवा लूँ। आई ऑल्सो हैव लाइक टू थ्री अदर थिंग्स दैट आई वांट टू पुट इन माई रूम एंड बहुत टाइम से वो मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने नहीं लगाया था उनको बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक मैं लगाऊँ कहाँ पे। सो मे बी इससे ना मुझे थोड़ा और बेटर फिल्मिंग स्पेस भी मिल जाएगा बिकॉज राइट नाउ आई जस्ट हैव दिस वॉल विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम बिकॉज इट्स ओनली वन थिंग एंड मुझे ना अपने रूम में स्पेस नहीं मिलता है टू फिल्म रील्स या फिर शॉर्ट्स या कुछ, तो वो सब मुझे ड्रॉइंग रूम में करना पड़ता है, वहाँ पे ऐसी नहीं है। सो आई नीड टू जस्ट फिगर ऑल ऑफ इट आउट। मे बी आई शो यू गाइज टेम्प्रेरली कि मैंने क्या सोचा है एंड यू गाइज कैन गिव मी फीडबैक नीचे कि वॉट यू थिंक कि कहाँ पे और बेटर हो सकता है, हाउ आई कैन ऑप्टिमाइज दिस स्पेस बेसिकली एंड आई ट्रस्ट यू गाइज कम्प्लीटली। सो आई वॉन्ट योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी आउट। ओके वेलकम टू दिस मेस अगेन एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपना सारा ये सामान उठा के लिविंग रूम में रखूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू दिस शिफ्ट दिस एंटायर रैक। आई शुड नॉट डू दैट, शिफ्ट दिस एंटायर रैक टू द लिविंग रूम एंड सी कि इसमें मुझे क्या रखना है क्या फेंकना है। So I'm gonna do that. By the way, the guys are late. So they are late and अब मुझे नहीं पता कितना time लगेगा इन सब चीज़ों को करने में. So yeah, I can't be bothered with that. I'm just going to do what I can do. I was saying कि इस Nykaa के hot pink sale box में there are a lot of things here. So let me know if you guys, I'm so sorry for that. Let me know if anyone wants all of this. You can comment down below and what else can you do? Be a subscriber, follow me on Instagram, you know all of that. And join my broadcast on Instagram to get updates.
एंड दैट्स इट, आई विल पिक अ विनर एंड बट प्लीज नो दैट आई शिप प्रोडक्ट्स लेट, तो इफ यू आर ओके विद दैट देन पार्टिसिपेट. देयर आर सो मेनी वीडियोज जो मैंने प्लान करके रखी है बट मुझे मन नहीं कर रहा फिल्म करने का. I don't feel like doing anything these days, you guys. I just rot in my bed. That's all I do. Literally just rot on my bed. More mess. But मैंने सब कुछ shift कर लिया है अभी के लिए. This is what the current situation is looking like. And oh my god, ये सब मुझे shift करना पड़ेगा बाद में. माँ भीषण खराब अवस्था है जेटा. देखते पड़ती ना यार. उसमें वो है सामान है, ये सारे मेरे जूते. हाँ ये दे दो मम्मा. दिस हैज योर ऑल्सो चप्पल जी. कौन से आपके बाद है? यू डू यू नो दीज आर योर्स, दीज आर नॉट माइन. माए देखे आशो माँ आशो ना माँ तुम्हें भीषण क्यूट लगते हो. शवाई बोले यू आर वेरी प्रिटी एंड क्यूट. शी इज अ लिटिल फेड अप बिकॉज लुक एट दिस मेस. सॉरी इफ यू गाइस सी अ फ्लक्चुएशन इन द क्लिप्स क्योंकि माय कैमरा बैटरी डाइड. तो मैंने लगाया अभी चार्जर पे चार्जिंग पे एंड अभी मैं अपने फ़ोन से व्लॉग कर रही हूँ. सो ये ऊपर नीचे होता रहेगा. फॉर सम रीज़न आई एम इन अ वेरी गुड मूड एंड आई विल एडिट अ वीडियो सो दैट मैं थोड़ा अपना टाइम पास कर सकूँ. और तो मेरे पास कुछ करने के लिए अभी है नहीं. एंड आई नो दे आर गोइंग टू टेक अ सॉलिड 6-7 आवर्स टू डू माई रूम क्योंकि उसके पास फर्नीचर हटाना है. एंड मेरे रूम में ना मेरा जो ड्रेसर है इट इज़ सो फकिंग हैवी. मतलब उसके लिए 3 बंदे लगते हैं उसको हटाने के लिए अनलेस मैं सारा सामान निकालूँ ये वो, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल. सो यू जस्ट हैव टू पुश इट अराउंड, लाइक मूव इट अराउंड. क्या बोल रही हूँ मैं. एंड आई एम सो सॉरी इफ़ यू गाइस कैन हियर अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज एंड स्टफ. काम चल रहा है, फैन चल रहा है, यू नो. सो जस्ट बेयर विद मी प्लीज़. यूजुअली पता है मैं व्लॉग करते टाइम भी फैन एसी सब बंद कर देती हूँ सो दैट देर इज़ नो नॉइज. बट आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू गेट अ माइक. आई फाउंड अ गुड माइक विच इज़ रीजनेबल ऑल्सो. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट दैट. लेट्स सी. या दैट इज़ द अपडेट. हो गया अपडेट. पेंटिंग इज ऑलमोस्ट डन. 1 कोट हो गया है ऊपर. ये जो यहाँ पे एसी के साथ ऐसे गीला गीला है इसका क्या होगा? फिर बाद में ये नॉर्मल जैसे ये दीवार लग रही है वैसे ही लगेगी ना? अच्छा. सो 1 कोट इज डन. कलर इज व्हाइट ऑब्वियसली बिकॉज दैट मेक्स द रूम लुक बिगर. ओहो मेरे फोटो कार्ड्स नीचे गिर गए. निकालना है का मतलब है मेरा इसको वापस अपने जगह पे करना है. ये सूख गया है सारा. उसका वो भी निकल गया. देखो इसको इधर ही कर या फिर इसको इधर कर दूं ना? नहीं नहीं क्यों? इधर. हाँ इधर. तो फिर जाएंगे कैसे बाहर? बाहर कैसे नहीं जाएंगे? तब हमारा बैलकनी में साफ करना होता है. पहले ये बेड को इस साइड करना राहुल. तू कोटा के जो देवेगा जरा तो देखता है. हाँ 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 बढ़िया. आएगा आ जाएगा. वही लगा रहा होगा पूरा जोर. तू तो ऐसे तो मुझे पता लग रहा था. हाँ बहुत ज्यादा. इसको थोड़ा हटा के करना. ये जो है दो कैसे उधर रख गया? अभी ऐसे इधर यही पे यहाँ पे भी तो ऐसे टिका हुआ ही था ना. ये अभी भी तो टिका हुआ है. हाँ ठीक है की प्रॉब्लम है. पूछते बैठ जाना. Good morning, another day of me looking like an absolute gremlin. आज भी घर में काम हो रहा है. सो थोड़ा बहुत फर्नीचर हमने शिफ्ट करा दिया है. आई डोंट नो यू गाइज, आई डोंट नो इफ आई लाइक एनी थिंग हियर. दिस रूम इज जस्ट टू स्मॉल बट क्या कर सकते हैं. सो मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं. अभी
Oh my god, I look horrible. I actually did some hair stuff because मुझे hair fall वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, dandruff हो रहा है, सब कुछ ये हो रहा है, मतलब मौसम ही ऐसा है. But I applied this Wish Care Hair Growth Serum right here. ये मैंने कल रात को लगाया था. This is something that you can use every single day. So I used this on my scalp and then I used my favorite extraordinary oil. ये मैंने अपने lens में लगाया था क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा dry भी हो रहे हैं. So ये लगा के मैंने छोड़ दिया था and अभी मुझे थोड़ी देर में अपना hair wash भी करना है. So I will show you guys the after result and I hope कि this hair growth serum works. मैंने इसके बहुत अच्छे reviews देखे थे. I will tag both of them if you guys want to check that out. थोड़ा और काम हुआ है because यहाँ पे ना ये वाला जो एरिया है, I'll show you like this, ये वाला एरिया. सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टेन अजीब सा ही हो गया था. सो दैट इज़ आई वी चेंज दैट. अप्लाई दिस ओनली. ये क्या हो रहा है, मेरे यहाँ पे पिम्पल आ रहा है. आई कॉन्ट इवन टेल. दिस इज़ माई फेवरेट ब्लू हेवन लिप बाम. माई लिप्स आर सो चैप्ड एंड सो ड्राई. क्या ही कर सकते हैं गाइस. मम्मी ने एक छोटा शू रैक मंगवाया है लिविंग रूम में रखने के लिए बिकॉज बहुत सारे जूते हो गए हैं. वी हैव टू लाइक डी क्लटर ऑल ऑफ दैट ऑल्सो. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक वी आर शिफ्टिंग बट वी आर नॉट. वी आर जस्ट इन द मोड टू गेट रिड ऑफ लाइक अननेसेसरी शिट फ्रॉम दिस हाउस. इट जस्ट फील्स टू क्लटर्ड. दिस इज द शू रैक. मैं हेल्प करूँ? अच्छा तुमने कर भी लिया था. सही है. मॉम ऑर्डर्ड दिस. सो दिस इज व्हाट इट शुड लुक लाइक. What's up you guys? This is day, I don't even know, third, fourth of me redoing my entire room. My room is officially a mess and I have decided ki main aaj thoda bahut furniture shift karungi because I do not like the layout of this room. This is a new table that I bought from Amazon. This is very 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 affordable. I think maine 2500 rupees ka liya tha. Unhone ghar aake hi assemble bhi kar diya. Ye bahut sahi hai. To ye table यहाँ पे नहीं रहेगा. ये टेबल मैं यहाँ पे मूव कर दूँगी. आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड न्यू ब्लैक कर्टन्स जो थोड़े दिनों बाद आएंगे. बट या ब्लैक कर्टन्स यहाँ पे. एंड मैंने हाफ विंडो का लिया है. यहाँ पे फुल एक ब्लैक कर्टन आएगा. ये यहीं पे रहेगा. मैं इस बेड को शिफ्ट करके यहाँ पे कर दूँगी, ठीक है. एंड देन टेबल विल बी हियर. सो दिस कैन बी अ सेटअप विद द ब्लैक कर्टन. यहाँ पे मैं बेड ले आऊँगी एंड इस वॉल पे आई वॉन्ट टू पुट दोज मिरर्स जो वो मून के फेजेस के मिरर्स है ना. आई हैव सीन दैम. मुझे लिंक्स मिल गए अमेजोन पे तो वो लगा के. सो दिस कैन बी अ सेटअप. एंड देन ये एरिया एम्प्टी हो जाएगा. यहाँ पे मैं अपना वो जंगकुक वाला सेटअप कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे नीचे बैठने के लिए जगह है. मैंने एक ऐसे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स भी मंगवाए थे. सो वो मुझे बनवाना है क्या, वो मैं खुद ही बना लूँगी. बहुत ईजी है. और उसमें मैं अपना फालतू का सामान लाइक जो भी एक्स्ट्रा सामान है एंड बैग्स वगैरह वो सब रखूँगी. नॉट लाइक माई हैंड बैग्स बट लाइक जो ट्रैवल बैग्स है. ड्राॅइंग रूम में इसी का चल सकी. ओके दिस इज़ वेरी हैवी. मैंने सोचा नहीं था ये इतना हैवी होगा. व्हाट द हेल. Team effort, but this is huge. It's almost as tall as me. अब इसको कहाँ रखना है? पहले table को set करना है. रुको.
never used, but I'm going to use it now. छोटा लग रहा है मुझे. Okay, you guys, I have organized the room to an extent. It's like an organized mess right now. I just have way too many things, okay? Unless I actually have a storage unit, my room is going to look like this only. I don't have a storage unit and storage ki is ghar mein bahut zyada kami hai. Cupboards wagera bahut kam hai. Mere room mein to hai hi nahi. So I just have to make do with whatever I have, and I think usme maine kafi acche se sab kuch organize kar liya hai. So I will show you guys ki kaisa lag raha hai room end mein. Main skincare na yahan pe rakh diya. Finally I have that thing jo skincare hold karta hai, but the only thing that happened was ki uske andar stoppers aate hain, wo maine kho diye. So this is just on the verge of breaking. Matlab ye kabhi bhi toot sakta hai, but I'm just hoping कि ना टूटे. इसमें कुछ कुछ कांच का भी सामान है. I'm gonna put my retinol serum. This is by Foxtail. Why is my AC making so much noise? I just thought कि वो lighting बहुत ज़्यादा shitty है. This video will have 3 giveaways. So one of you is going to win नायका का जो भी उस बॉक्स में सामान था सब कुछ. आई एम गोइंग टू सेंड इट टू वन ऑफ यू. एंड आई फाउंड शूज. लाइक आई न्यू दे आई हैव देम, बट आई हैव नेवर वोन देम. एंड आई थॉट दैट इफ आई एम नॉट वेयरिंग देम, द ब्रांड न्यू, एब्सोल्यूटली न्यू, मैंने नहीं पहने उनको कभी भी. सो आई वॉज जस्ट लाइक वाई नॉट आई गिव देम अवे, बिकॉज मे बी वन ऑफ यू वॉन्ट्स इट. आई शो यू गाइज बोथ द पेयर्स. द फर्स्ट पेयर इज बाय Puma, however you want to call it. See, they're brand new. बिल्कुल नहीं पहना मैंने इनको. These are in the size, I think 36, 35.5. Yeah, so UK 3 and 33.5 है. Like अगर आपका shoe size ये है, please let me know in the comments below. And जिसका भी होगा, I will pick one of you as the winner for this pair of shoe. And I also have another pair of shoe from Zara. Again, I bought it a while back, but I never wore it. So these are white sneakers with the zebra print and everything. Okay, this is in the size 36. इसके पीछे ही लिखा हुआ है 36. And these are also brand new. You guys can see. So yeah, I am going to give away a pair of Zara sneakers to one of you, जिसका shoe size है 36. And इसमें 35.5. So please ये shoe size याद रखना and उसी के हिसाब से आप participate करना. And of course that entire goodie bag of Nykaa, that is going to go to one person as well. So there are going to be 3 winners in this, which I'm super excited about. This is obviously for my subscribers, so make sure that you are a subscriber and subscribe to my channel if you haven't already, and comment down below in this video and just be active on the channel. That's what I always say. Just like, I want these things to go to people that are really like my subscribers and enjoy watching my content. Let me know your shoe size if you want the shoes. And yeah, that is about it. That's all you got to do to participate. And मैं विनर्स को खुद ही रिप्लाई कर दूंगी, लाइक उनके कमेंट्स को रिप्लाई कर दूंगी. सो मेक श्योर कि आपके ना नोटिफिकेशंस ऑन रहे, बिकॉज बहुत लोगों के नहीं होते हैं ना, तो उनको कॉन्टैक्ट करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो रिप्लाई नहीं कर पाते. सो या मेक श्योर दैट यू हैव योर नोटिफिकेशंस ऑन, बिकॉज आई विल रिप्लाई टू वन ऑफ यू. लाइक जो भी विनर्स होंगे मैं उनको रिप्लाई कर दूंगी. आई एम गोना शो यू गाइस अ रूम ओवरव्यू. एंड ये फाइनल रूम नहीं है, चेंजेस अभी भी है लाइक आई मेंशन, बट या. सो घुसते ही पहले इस साइड पे मेरे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थे, उसको मैंने हटवा दिया. एंड यहाँ पे हमारा जंगकुक वाला बैकग्राउंड है एज यू कैन सी, बिकॉज ये वाइट वॉल है, सो यहाँ पे भी मैं फिल्म कर सकती हूँ. एंड दिस इज़ द डोर टू द बालकनी. This is my new desk, you guys. I really love this desk. This fits here perfectly, and this is just a chair that we had pehle se. Niche boxes and boxes of extra saman and all of that, but theek hai, chalega ye. Yahan pe main thoda aur clear kar dungi, in kapdon ko mujhe alter karna hai. But this is what my desk is looking like right now. These are like my journals and stuff, some decor, my crystals,
just like random things. This is my tarot deck and this is the skincare thing that I told you I got. But iske na stoppers maine guma diye to mujhe nahi pata. But this is like a good working space for me now and I can like edit my videos and stuff like that also. So yeah, I'm really happy with this desk. I got this from Amazon for around 2500 या कुछ. इसका link मैं डाल दूंगी या फिर tag कर दूंगी. So जरूर इसको check करना. And then again, empty space. Good. So this is a chest of drawers. इसमें 6 boxes है and काफ़ी सही है. Like it's not obviously the most durable, but it is pretty good. इसके ऊपर मैंने अभी temporarily ये रखा हुआ है. I mean I think ये ऐसा ही रहेगा. इसमें मेरा बाकी का सामान रहेगा, body care and stuff like that. So I have a lot of that, right? So yeah, this is the chest of drawers. ये भी सस्ता ही था, लाइक 2000 के अराउंड का ही था. एंड इसका क्वालिटी इज बेटर देन द अदर वन दैट आई हैव एंड इट लुक्स अ लॉट बेटर, लाइक अ लॉट नाइसर. आई लाइक द ट्रांसपेरेंट वाइट थिंग. नाउ दिस इज अ हैंड बैग एंड कोट रैक जो मैंने खरीदा था बिकॉज माई बैग्स दे नीडेड अ गुड प्लेस. सो आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू वर्क रियली वेल. माई हाउस हेल्प विल जस्ट यू नो इसमें डस्टिंग हो जाएगी डेली, वो कर देगी एंड मैं भी कर दूंगी. जब वो अवेलेबल नहीं होगी तो फिर मैनेजेबल हो जाएगा. यहाँ पे मैंने ऊपर बस अपने सारे छोटे वाले बैग्स लगाए हैं एंड नीचे नीचे करके यू नो जस्ट लाइक माई एवरी डे बैग्स दैट आई यूज द मोस्ट वो मैंने बाहर की तरफ रखा है. एंड या दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल बैग like rack for me. This is the chest of drawers, you guys already know that. And ये मैंने lamp इधर ही रखा है because I feel like कि जब ऊँचा होता है तो ज़्यादा रोशनी आती है. I'll show you guys my albums and all. Again empty space, good. My ring light. And then यहाँ पर मुझे अपना ये haul करना है तो इसको छोड़ दो. And ये रहा मेरा bed. Bed को मैंने इस तरफ कर दिया. Bed के नीचे भी सामान है but चलो ठीक है, वो थोड़ा छुपा हुआ है. अच्छा तो मुझे यहाँ पर वो ना sticker लगाना है या फिर कुछ लगाना है. इसका option मैं अपने broadcast में दे दूंगी. सो लेट मी नो कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे एंड विल टॉक अबाउट दैट. एंड या दिस इज द बेड. सो दिस इज द एंटायर रूम ओवरव्यू फॉर नाउ. I feel like even though I have a lot of saman right now, there's a lot more structure. It looks a lot better in my opinion. And I still have my spaces to film and just like, you know, keep my things and stuff like that. So yeah, let me know what do you think. But I hope you guys enjoyed this room transformation video. बहुत time बाद मैंने ऐसा कुछ किया and I'm so 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 happy that finally ये execute हो गया क्योंकि मुझे बहुत time से bug कर रहा था. And yeah, I'm really happy with the way everything has turned out and now I will sleep peacefully tonight after like weeks and weeks of just like getting this done. And thank you so much for watching this video you guys and I hope you liked it. Don't forget to participate in the giveaway and aur kya bolna tha, subscribe to my channel please and I will see you guys in my next one. Bye bye.